उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 48वीं अंतर महाविद्यालय महिला एवं पुरुष एथलीट्स प्रतियोगिता 9 दिसंबर से एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय महिला एवं पुरुष 48वीं एथलीट्स प्रतियोगिता दीनदयाल उपाध्याय रिपोर्ट स्टेडियम में 9 दिसंबर को शुरू होगी। सर आपका नाम? मैं प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव, क्रीड़ा सचिव जो क्रीड़ा परिषद विश्वविद्यालय की है उसका मैं सचिव हूँ। ये प्रतियोगिता जो अखिल जो हमारी अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स महिला एंड पुरुष प्रतियोगिता है, ये 9 तारीख को सुबह 11:30 बजे उद्घाटन के साथ शुरू होगी और 11 तारीख की शाम को इसका समापन होगा। इसमें लगभग 800 बॉयज़ और गर्ल्स जो हमारे एथलीट्स हैं वो हिस्सा लेंगे डिफरेंट कॉलेजेस से। और ये इस प्रतियोगिता की खास बात यह है कि पिछली बार इस प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड बने थे और हमारे 3 खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय स्तर पर गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया था और दीक्षा ने भारत को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में 1500 मीटर में। तो ट्रैक पर भी, क्योंकि अभी तक फील्ड में हम लोगों को अच्छा मिलता था, लेकिन ट्रैक पर हमारा ये प्रदर्शन उल्लेखनीय प्रदर्शन है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष और रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता में बनेंगे और यहाँ से जो खिलाड़ी जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे वो विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करते भी आगे दिखाई पड़ेंगे एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक में भी। हमें उम्मीद है इस बार कुछ खिलाड़ी हमारे इस ओलंपिक गेम में भी भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। खिलाड़ी जो मंडल से होंगे, ये पूरे रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो दोनों मंडलों में अभी है उसके सभी कॉलेजेस के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे।